तो अभी आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाने जा रहा हूँ। पिपली से चालू हो गया है, जो जो अभी बन रहा है अपना इस पे हाईवे आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अभी सामने देखिए, सब रोड रोड पे अभी गाड़ी दिख रही है आपको इस पे हाईवे का। और देखिए, इस पे हाईवे चालू हो गया, सामने देख सकते हैं। और ये इस पे हाईवे बन रहा है जो अहमदाबाद से आ रहा है, पिपली से अभी चालू किया था, आपको दिखा रहा हूँ। ये जो रोड बहुत ज़ोरों में बन रहा है, देख सकते हैं, पुलिया बना है। फिर आगे देखिए, मिट्टी सब डाल रहे हैं लोग, पूरा अच्छी तरीके से देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। और ये स्प्रे हाईवे जो है अहमदाबाद से आ रहा है, और ये आपको दिख रहा है, देख लीजिए। अभी जो है ये तो यहाँ तक अभी नहीं हुआ है, मैंने अभी काम चालू है, बहुत ज़ोरों में काम चालू है। 1 महीने में आपको पूरा रोड जो है ना दिखने लगेगा, कहाँ से कहाँ तक हो गया है। लेकिन अभी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ स्प्रे हाईवे, देखिए यहाँ पे मजदूर लोग रहते हैं, और रहने के लिए व्यवस्था उन लोगों का बना हुआ है, यहाँ से लोग जाते हैं काम करने के लिए। और स्प्रे हाईवे जो है ऐसे ही जाएगा जहाँ पे वो लोग रखे हैं। और बहुत तो जो है 6 लाइन ये अभी तो बनेगा, लेकिन ये 10 लाइन आने वाले टाइम में 10 लाइन रोड ये बनेगा। और देख सकते हैं, देखिए ये जो लगा हुआ है ना पुलिया बना है, ऐसे स्प्रे हाईवे सब जाएगा। स्प्रे हाईवे देख लीजिए, ये सब मिट्टी डाल रहे हैं लोग, और इसके बाद यहाँ से क्रॉस मारेगा इस साइड में स्प्रे हाईवे का। और अभी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, SIR के अंदर अभी आ गए हैं। SIR के अंदर में देखिए, ये टंकी का काम चालू हो, टंकी बन के तैयार हो चुकी है। और ये जो है यहाँ पे बस स्टाफ है, और आगे आप देख सकते हैं वाइट कलर में जो है ये भी बन के तैयार हो गया है। ये मेरे हिसाब से ये इलेक्ट्रिक सब्सिडी वाला वो जो बिल्डिंग है जहाँ से पावर सप्लाई करेगा लोग। और ये आप देख सकते हैं, ये जो 4 लाइन रोड बना हुआ है SIR के अंदर का, ये सीन है SIR के अंदर में, देख रहे हैं यहाँ पे काम चालू है। इसके लिए मिट्टी उट्टी आपको दिख रही है रोड पे, लेकिन चारों तरफ जो है ना ये बहुत अच्छी तरीके से बन रहा है। और यहाँ पे तो अभी देख रहे हैं रोड रोड के किनारे पे जो है पेड़ पौधे लगा दिया गया है। और भाई 1 दिन में तो तैयार नहीं होगा, इसके लिए तो टाइम लगेगा। देखिए चौराहा है, इधर से आप दूसरे तरफ जा सकते हैं, और वो उधर भी कंपनियों का काम चालू है। और यहाँ पे बहुत ज़ोरों में काम चालू है, 2024 तक बहुत कंपनियाँ जो है यहाँ पे सप्लाई देना चालू कर देंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़ोरों में काम चालू है। आप आगे जाके देख सकते हैं, देखिए बोर्ड वोड लग गया है, सब लगा हुआ है, देख सकते हैं। कभी कभी भी आप विजिट करने आएंगे तो ये सीन देख सकते हैं, जो आपको मैं अभी ग्राउंड रिपोर्ट जो दिखा रहा हूँ आपको, ये जो है ये बन के तैयार है सब। और बहुत वीडियो आप देखे भी होंगे वहाँ पे, लेकिन मैं सोचा कि आज को अभी काम चालू है सब, तो उसका ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं। और मिट्टी रोडों पे एकदम पड़ा हुआ, क्योंकि जहाँ पे काम चालू रहता है तो वहाँ तो मिट्टी पड़ा ही रहेगा, क्योंकि बहुत ज़ोरों में काम चालू है। सफाई करने के लिए टाइम नहीं इन लोगों को मिलता, क्योंकि 24 घंटा जो है 24 घंटा यहाँ पे काम चालू है। और क्योंकि इन लोगों को 2024 तक देना है सरकार को, कंपनी यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी। अभी आप सामने देख सकते हैं, जो मिट्टी पूरा प्लेन हो गया है यहाँ पे जो है, अभी काम चालू हो गया है बस जोरों में। एक कंपनी जो है 2024 तक सप्लाई देना चालू कर देगी, क्योंकि ये पूरा जो है इन लोगों का जोरों में काम चालू है, आप देख सकते हैं। और फिर आगे देखिए, यहाँ पे काम चालू है, आप देख सकते हैं सामने में, ये बस स्टाफ है। फिर इसके सामने देखिए, सब मिट्टी लोग वो पार्ट है, सब कॉलम बीम वो भर रहे हैं लोग चालू। देखिए केबिन है यहाँ पे, JCB लगी हुई है, और बहुत ज़ोरों में काम चालू है यहाँ पे। और ट्रक्स है, जिससे भी देखिए केबिन है साहब लोगों को बैठने के लिए, यहाँ से सब लोग अपना काम चालू कर दिया है लोग। इसके लिए जब भी आप विजिट करने इधर आएंगे देखने, तो आपको दिख जाएगा सब पेड़ पौधे लग गया है। ये 2-4 साल में जो है ना यहाँ पे बहुत हरा भरा सब रोड हो जाएगा, छाएं छाएं में आने जाने का रहेगा। एक तरफ जो है देखिए, आदमी को चलने के लिए, साइकिल वाले के लिए भी रास्ता बना हुआ है, आदमी पैदल जा रहा है उसके लिए भी रास्ता बना हुआ है, साइकिल वाले के लिए अलग है, और जो है पैदल जा रहे हैं उनके लिए अलग रोड बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है
यस यार, में बहुत सुविधा है, आने वाले टाइम बहुत हरा भरा सब हो जाएगा। और आप यहाँ पे फ्लोट लेते हैं, थोड़ा महंगा तो गिरेगा लेकिन आपको डेवलप हो के मिलेगा। यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।